तो दोस्तों आज फ्राइडे का दिन और आज हम लोग आए हुए हैं आपको लेकर के हुमायूं टॉम्ब दिखाने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पे आज हम आए हैं जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए, है ना। यहाँ भी एक मस्जिद है, अरब सराय वाली मस्जिद, है ना, या उसे हम कहते हैं अफसर वाला मस्जिद। तो वहाँ भी जुमा की नमाज़ होती है ना। एंट्री जो इसका होता है दोस्तों, ये होता है VIP गेट से। मेरे पीछे जो दरवाज़ा आप ये जो रोड देख रहे हैं, ये है सुंदर नर्सरी वाली रोड, और मेरे पीछे जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हुमायूं टॉम्ब, है ना। और इसी से आगे हम जाएंगे, आगे में जा करके है VIP गेट। तो आइए आपको हम लेके चलते हैं अरब सराय वाली मस्जिद। इधर देख सकते हैं कई सारे नमाजी वगैरह जो है ना जा रहे हैं, सब नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं आज इस मस्जिद में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है इसका एंट्री गेट, है ना, ये VIP गेट है। यहीं से जो है हम लोग इसमें भी इंटर करेंगे। तो दोस्तों ये जो दरवाज़ा है ना पीछे में, ये था यहाँ का VIP गेट, है ना। और ये मतलब आम पब्लिक के लिए यहाँ पे इसमें एंट्री अलाउड नहीं है। फ्राइडे को जो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं ना, सिर्फ वहीं से एंट्री करेंगे। आधे घंटे के लिए गेट खुलता है, फिर बंद हो जाता है। अगर ज़्यादा आप लेट करते हैं अंदर मस्जिद में, तो फिर गेट जो है ये बंद हो जाएगा। और इधर आप चारों तरफ में देखिए, पूरा जो है ना जंगल का एरिया है। सामने से जो है आपको दिख रहा है हुमायूं टॉम्ब। टूरिस्ट देखिए कितने ज़्यादा आए हुए हैं। तो इधर ये जो दरवाज़ा है दोस्तों, ये असल में मेन दरवाज़ा है यहाँ से, है ना, टूरिस्ट घूमने के लिए। और अब जो है हम लोगों को यहाँ अगर आप आगे जाइएगा तो वो आप हुमायूं टॉम्ब चले जाइएगा, लेकिन हम लोगों को जो है ना इधर से जाना है। ये कहलाता है अरब की सराय, है ना। और ये देखिए अरब की सराय की जानकारी जो है यहाँ पर पूरी दी हुई है। कब बनाया गया था, 1560 से 61 के बीच में। ये देख सकते हैं आप, ये है अरब सराय। तो दोस्तों यहाँ भी आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर, लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर भी कमल के फूल हैं, और ऊपर में आप देखिए एक बालकनी है छोटी सी, नीचे में छज्जे आपको दिख रहे हैं। और ऊपर में भी आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कमल के फूल का आर्किटेक्चर बनाया गया है। कहीं पर मार्बल का भी इस्तेमाल किया गया है। और दरवाज़ा देखिए कितना बड़ा इसका दरवाज़ा है। अंदर में यहाँ पर गुंबद हुआ करता था, लेकिन फ़िलहाल जो ये टूट चुका है। चारों तरफ से अगर आप इसको देखिए तो ये जो है ना ऑक्टागोनल शेप का है, यानी कि 8-साइडेड स्ट्रक्चर है। और यहाँ से हम लोग अब चले आए हैं अरब सराय के अंदर। और इधर से आप देखिए, ये पूरा जो है ना ये पार्क है, एक तरह से छोटा सा बना हुआ है। और यहाँ पर कुछ कमरे वगैरह थे, लेकिन अभी आप इसका जो अवशेष वगैरह यहाँ पर सिर्फ बचा हुआ है। और यहाँ पर क्या क्या है, जो भी चीज़ यहाँ पर घूमने के लिए है, वो सारी चीज़ यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ईसा खान टॉम्ब है, अरब की सराय है, बू हलीमा गेटवे है, और अफसर वाला मस्जिद है। और ये जो मस्जिद है ना दोस्तों, इसी में हम अभी नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे जुमा की। ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं पीछे से, यही है अफसर वाला मस्जिद। बगल में टॉम्ब है, वो भी दिखाएंगे आपको। तो यहीं हम जाएंगे फ़िलहाल नमाज़ पढ़ने के लिए। तो इधर से आप देख सकते हैं अरब की सराय दरवाज़ा जो है ना इस तरह का दिखता है, बिल्कुल खंडर हो चुका है दोस्तों। और कई लोग जो यहाँ पर विज़िट करने के लिए आते हैं, और इस तरह का जो है ना चारों तरफ से ये कुछ ऐसा दिखता है, ये पूरी बाउंड्री है। तो आप चाहें तो आगे से भी जा सकते हैं, या नहीं तो इधर से भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, तीन दरवाज़ा बना हुआ है, बिल्कुल खंडर है। ऊपर में देखिए जाली वगैरह जो है अभी भी दिख रही है। अंदर हम जा कर के देखते हैं कि अंदर में कैसा है यहाँ पे। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ से कुछ लोग नमाज़ पढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर, ये मस्जिद का स्ट्रक्चर है, और फिलहाल जो है ना ये पूरा टूटा हुआ है अंदर का। तो ये एरिया जो है ना, ये कम्प्लीट समझिए कि खंडर में तब्दील हो गया है। अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, और ये देखिए, ये जो है ना, ये है असल में मस्जिद, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग अभी अंदर आए थे, देख सकते हैं तीन दरवाज़ा है, तीन मेहराब बना हुआ है। और अब हम थोड़ा सा मस्जिद के ऊपर जाएंगे, ऊपर जा कर के हम चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद जो है ना, आपको और कहीं नहीं जाना है, सिर्फ मस्जिद में ही घूमना है। क्योंकि यहाँ से जो है आप उधर भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टिकट नहीं है, पकड़ा गए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और अब जो है ना, आप मेरे पीछे देखिए, यह है अफसर वाला मस्जिद, और बगल में एक मकबरा आपको दिख रहा है, वो है अफसर वाला टॉम्ब। और यहाँ पे जाने से पहले जो है ना, आप जूते चप्पल जो है अपने यहाँ पे खोल लीजिएगा। तो नमाजियों को आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा नमाजी यहाँ पे आए हुए हैं, है ना। और अंदर भी अभी हम चलेंगे इसके। फ़िलहाल यहाँ से आप इसका स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, है ना, किस तरह का यह स्ट्रक्चर है। उस साइड में आप देख सकते हैं ना, वज़ू वगैरह करने का भी यहाँ पर इंतज़ाम है, तो साइड में हम कहीं पर किनारे जा करके वज़ू अपनी कर लेंगे। और बेहतर यही रहेगा दोस्तों, यहाँ पर जो है ना वैसे नल वगैरह का इंतज़ाम नहीं है, तो आप जो है ना वज़ू घर से ही करके आइएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग किनारे जाके कहीं पे वज़ू कर लेंगे, कहीं गंदगी भी नहीं फैलाना है, उस हिसाब से करना है। टोपी वोपी सबका यहाँ पे इंतज़ाम है, टोपी लेके नहीं अगर आप आए हैं ना तो वो भी यहाँ पर मिल जाएगी। और वज़ू कर लिया है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, सुन्नत पढ़ लेते हैं अपनी, है ना।
और अंदर भी आप देखें काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं। الحمد لله استعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي ما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وازواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حيان عثمان واقواهم علي وفاطمه سيده نساء الجنه والحسن والحسين سيدا شباب الجنه وهمزه اسد الله واسد رسوله اللهم اغفر العباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله الله في أصحابي لا تتخذهم مرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أيد الإسلام والأنصار وأذل الشرك والشرار اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من حذر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر भाई सब ऐसी थी कर ले पहले अंदर भी कर ले अंदर आ जाए अंदर आ जाए आगे आ जाए। तो दोस्तों नमाज हमने यहाँ पर पढ़ ली है फ्राइडे की है ना, और अब देख सकते हैं अभी जाने का टाइम हो गया है तो यहाँ से जो है हम चले जाना है। जुमा के नमाज का अगर टाइमिंग अब बताया आपको तो हम 2:30 बजे नमाज का टाइमिंग होता है। अभी जो है ना फिलहाल यहाँ पर आपको हम थोड़ा मस्जिद का टूर करा देते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले देखिए दोस्तों है ना कितना ऊँचा ऊँचा मेहराब है, 3 मेहराब है, ये वाला बीच का है और एक साइड में जो है ना यहाँ पर ऊपर चढ़ने की सीढ़ी है। फिलहाल ये सब सीढ़ी आप देख सकते हैं, सीढ़ी जो है हर मॉन्यूमेंट की तरह यहाँ भी जो सीढ़ियाँ हैं ये वाली ये बंद है ना, ये देख सकते हैं किस तरह से ये ऊपर जाती है, ये आप इसको यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो गुंबद है ना एक ही गुंबद है, 2 गुंबद जो इसमें छिपे हुए हैं, छोटे छोटे गुंबद हैं। और मीनार आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मीनार दिख रही है, बाकी एक मीनार जो है ना इसकी टूटी हुई, और डिज़ाइन देख ऐसा लगता नहीं है कि कुछ नया आर्किटेक्चर होगा। और ये जो है मुग़लों के टाइम की जो है ना सबसे पुरानी और सबसे पहली मस्जिद थी। और थोड़ा अगर हम अंदर चल के आपको दिखाएं मस्जिद दोस्तों, तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं ये मेन हिस्सा यहाँ पे है ना, यहीं पर इमाम साहब भी नमाज को पढ़ा रहे थे यहीं से। और अब आप ये देखिए स्ट्रक्चर जो है इसका थोड़ा सा मतलब खंडरनुमा हो चुका है, नमाजें तब भी यहाँ पे होती हैं। ऊपर में आप देख सकते हैं ना नक्काशी जो है उस ज़माने की आज भी आपको दिख रही है, टाइल्स वाइल्स हुआ करता था पहले, अभी तो फ़िलहाल कुछ दिख नहीं रहा है ना। ऊपर में आप देखिए तो 4 साइड का है, वैसे ये ऑक्टागोनल शेप का है, तो एक गुंबद सबसे बड़ा वाला ये है और दोनों साइड में जो है ना छोटे छोटे गुंबद यहाँ बने हुए हैं। और देख कैसा लगता है कि यहाँ मरम्मत वगैरह भी इसमें हुई है, आप प्लास्टर सीमेंट वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। और कुछ भाई लोग हमारे यहाँ पे, आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद उस्मान। आप कहाँ यहीं पर रहते हैं कहीं से पास आए हैं? नहीं बस्ती में रहते हैं। बस्ती में ही रहते हैं। ओके। तो यहाँ हमेशा नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं आप? हर फ्राइडे को। टाइमिंग क्या होती है नमाज की? 2:30 को होती है। और ईद बकरीद की नमाज होती है यहाँ पे? हाँ। अच्छा मतलब जुमा की ईद की और बकरीद की होती है। ये थे उस्मान साहब यहाँ के, शुक्रिया भाई। और एक हिस्सा इधर भी आप देख सकते हैं, और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है अफसर वाला टॉम्ब, इसके अंदर मज़ार है, तो इसके अंदर चल के अभी आपको हम इसका टूर कराते हैं। ये अंदर का हिस्सा इसका है ना, तो इस तरह से देखिए ये है अफसर वाले की मज़ार, ठीक है।
और पहचान कैसे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ना इस तरह की लाइन बनी हुई है, मतलब ये किसी मर्द की मज़ार है। और ये जो है ना मज़ार दोस्तों, ये मज़ार जो है असल में फीमेल की है। तो यहाँ पर इस तरह का चपटा निशान यहाँ पर बना हुआ है और तीन मज़ार इसके अंदर हैं, लेकिन किसकी है किसकी नहीं है ये कन्फर्म नहीं है। और फिलहाल आप देख सकते हैं अंदर से जो है ना ये है, ऐसा है, और देख करके लगता है कि कुछ ना कुछ मरम्मत जो इसकी यहाँ पर हुई है। और ये है अफसर वाला टॉम्ब का पीछे का हिस्सा, इसमें भी आप देख सकते हैं ना ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी है, लेकिन वो भी यहाँ पे बंद है। तो दोस्तों जहाँ तक हम इसके इतिहास की अगर आपको हम बताएं, तो ये मस्जिद जो है मुग़लों के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बनाया गया था, है ना। जब इस हुमायूं टॉम्ब का जब बनाया गया था ना 1556 में हुमायूं की मौत हुई थी, और मौत के काफ़ी टाइम के बाद जो है इस मकबरे को बनाया गया था। 1567 में मकबरे की काम स्टार्ट हुआ था हुमायूं टॉम्ब का, 1572 में ये काम कंप्लीट हो गया था। तो उसी टाइम जो है ना यहाँ पर अरब सराय भी बनाया गया था, हमने आपको दिखा दिया। और ये जो मस्जिद जहाँ नमाज हमने पढ़ी, इसे भी जो है ना उसी टाइम में 1567-72 के बीच में जो है ना बनाया गया था। और अफसर वाला इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम में जो बहुत लोग जिनका रोज़गार हुआ करता था ना मुग़ल कोर्ट में, उसमें से किसी एक की ये मज़ार है। और अरब की सराय जो गेट अभी हम लोग यहाँ से पास कर रहे हैं, इसे अरब की सराय इसलिए कहते हैं क्योंकि कहा जाता है कि जो भी मुसाफिर लोग आते थे यहाँ पे अरब से पर्शिया से ना, तो उनको जो है यहीं पर ठहराया जाता था। अरे बहुत सही भाई। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने जुमा की नमाज़ भी यहाँ पे अदा कर ली है। छोटा मोटा इसका इतिहास था, है ना, बहुत ज़्यादा डिटेल इसके बारे में जानकारी जो है नहीं है। तो हुमायूं टॉम्ब की जहाँ तक बात है, उसकी वीडियो जो हमने कंप्लीट डिटेल में बना रखी है, उसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। मस्जिद की अगर हम नमाज की टाइमिंग की बात करें, तो 2:30 बजे यहाँ पे नमाज होती है, ईद की होती है, बकरीद की होती है, और सिर्फ जुमा की होती है। बाकी इसके अलावा टूरिस्ट अगर आप हैं तो बाकी यहाँ पर आप आकर के जो है ना मस्जिद को विज़िट कर सकते हैं, सबके लिए ये खुली हुई है। नमाज सिर्फ जुमा को होती है, ईद में होती है, बकरीद में होती है। तो दोस्तों इस तरह से अब हम जाते हैं बाहर, मेरे पीछे देख सकते हैं ये है VIP गेट, यहीं से हम आए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो जो आज फ्राइडे प्रेयर की हुमायूं टॉम्ब में काफ़ी देख के अच्छा लगा होगा। तब हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में किसी नए जमा किसी नए जानकारी के साथ, नए धमाके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।